ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की कंप्लीट फोटो रिटच। तो गाइस इस रिटच को गाइस हम पूरा का पूरा करेंगे लाइटरूम ऐप में। बट गाइस आप सभी को सिर्फ मैं एक चीज बताऊंगा कि गाइस इसमें ना आपको एक PNG लगाना पड़ेगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसको PNG को लगाने के लिए हम पिक्सआर्ट का यूज करेंगे। तो गाइस 2 सेकंड का काम है वो हम पिक्सआर्ट में कर लेंगे, तो आपको कैसे करना वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। एंड गाइस मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि गाइस अगर आपको इंस्टाग्राम में किसी भी क्रिएटर की अगर रिटच वगैरह पसंद आती है या फिर आपको ट्यूटोरियल कोई सा पसंद आता है तो गाइस आप लोग मेरे को सिंपली इंस्टाग्राम पे DM कर दिया करो। इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे साइड में दिख ही रहा होगा, तो गाइस आप लोग मेरे को इजिली इंस्टाग्राम में जाना DM कर देना एक बारी और आपके लिए उसकी वीडियो 1-2 दिन में या फिर 1-2 घंटे बाद ही आपको उस टाइम वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आप लोग जाके एक बार DM कर देना या फिर उस कमेंट के नीचे मेरे को मेंशन कर देना, मैं देखने के बाद उसका जो है ट्यूटोरियल है जो आपको लाकर दे दूंगा इसी चैनल पे। तो गाइस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि यार आप लोग जो है कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। तो गाइस मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा बस यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले अपनी इस फोटो का यहाँ पे पिक्सआर्ट में ओपन करना है जो आपको एडिट करनी है। देन उसके बाद गाइज आपको ऐड फोटो में जाना है एंड गाइज यहाँ पे आपको ऐड करना है वो PNG, ठीक है। इस PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। अभी गाइज आपको PNG कैसे लगाना है, पहले तो आपको गाइज फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड करना है, ठीक है। एंड चाहो तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हो एंड मैं इसको यहाँ पे थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ा सा पार्ट है जो हमें इरेज करना है, ठीक है। तो हम इरेजर टूल में जाएंगे एंड इसको इरेज करेंगे, हम जो फेस हमारी बॉडी के ऊपर जो एरिया आ रहा है उसको हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड जो मतलब कि आप चाहो तो गाइस और भी मतलब इसमें जो 2-3 पत्ते और इरेज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। आप चाहो तो 2-3 लीव्स इरेज कर लेना एंड बाकी जो है ओपेसिटी भी इसकी कम रखना क्योंकि जो भी हमारा बैकग्राउंड में दिखेगा ये गाइस मैंने इसलिए आपको PNG दिया क्योंकि इससे ना अच्छा सा लुक आएगा फोटो में, तो ठीक है गाइस। तो आप समझ गए होंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको अपनी इस फोटो यहाँ पे कर लेना सेव एंड इसको सेव करके लेके चलना है ऐसे लाइटरूम ऐप में, ठीक है। लाइटरूम ऐप में आप गाइस अपनी फोटो को लाने के बाद आपको पहले क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। इस लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, फिर गाइस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट है ना जो गाइस इसको कम करना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कम करना है। एंड जो हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है, हाईलाइट को हल्का सा बढ़ा देना। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी शेडो, आपको गाइस इसको कम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो शेडो का अगर आप कम कर दोगे तो उसकी जो डिटेल वगैरह है जो फोटो की पहले की वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको बढ़ा देना है शेडो को एंड ब्लैक को कर देना है कम। फिर उसके बाद गाइस आपको मिलेगा व्हाइट, आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है व्हाइट को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब गाइस यहाँ से जाना आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको गाइस इसका वाइब्रेशन बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना है अराउंड 20 तक। एंड इसका जो गाइस टिंट है ना आपको इसको आगे की तरफ करना था कि जो भी मतलब कि पेड़ आपके ट्रीज वगैरह के जो कलर होंगे ना वो जो थे वही हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको जाना कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना है, इसका ह्यू जो है इसको माइनस कर देना है, ठीक है। एंड जो उसका सैचुरेशन इसको कर देना है प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है ग्रीन कलर में, आपको इसको ह्यू भी माइनस कर देना है, ठीक है, जैसे सेम आपने येलो में किया था वैसे आपको सेम इसमें भी करना है, ठीक है, इसका ह्यू आपको माइनस कर देना है। एंड उसके बाद इसका सैचुरेशन होगा जो गाइस इसको आपको हल्का सा बढ़ाना है, मतलब हल्का मतलब कि आधा तक कुछ बढ़ा देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इस फोटो को यहाँ पे कर लेनी सेव, ठीक है, इसको सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से चलना है बैक, मतलब यानी कि बैक पूरा बैक नहीं जाना, आपको लाइटरूम में ही रहना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ओके करते हैं एंड यहाँ से जाना आपको गाइस यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में, फिर आपको यहाँ पे जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो फोटो अभी आपने सेव करी आपको सिंपली उसी को ऐड करना है यहाँ पे इस तरीके से। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस आपके यहाँ पे 2 फोटोज़ हो जाएंगी, फिर आपको जो कभी ऐड किया आपको सिंपली उसको ओपन करना है, ठीक है, उस फोटो को ओपन कर लेना है यहाँ पे। एंड इसको ओपन करने के बाद आपको अब क्या करना है यहाँ पे गाइस, आपको जाना है ऐसे डायरेक्ट कलर्स में, फिर आपको यहाँ पे जाना है मिक्स में, फिर आपको जाना है ऐसे ऑरेंज कलर सॉरी येलो कलर में। एंड उसके बाद आपको उसका यू कर देना माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑरेंज टोन में। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा ऑरेंज करना चाहते हो तो आपको सैचुरेशन कर देना प्लस बिल्कुल, ठीक है, और भी ज़्यादा अगर डार्क चाहिए हो आपको ऑरेंज कलर तो और आप उसको प्लस कर देना, ठीक है। फिर ग्रीन कलर में जाना है, अब यहाँ से और चाहो मतलब कि आपके कुछ कुछ पार्ट ना ग्रीन रह जाएंगे, ठीक है, तो उसको ग्रीन करने के लिए मतलब कि आप चाहो तो उसे ग्रीन भी रख सकते हो, अदरवाइज नहीं चाहते हो तो उसका जो चेंज करना है वो अभी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली इस फोटो को भी दोबारा अगेन आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है, इसको भी हम सेव कर लेंगे। एंड सेम स्टेप वही करना है आप सभी को, वापस यहाँ से बैक चलना है एंड ऐसे बैक जाने के बाद जो ये 2 फोटो है पहले इनको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है, आपको लाइटरूम ऐप से जो डिलीट कर देना है। देन गाइस आपको जाना है ऐसे दोबारा ऐड फोटो में एंड जो गाइस अब जो आपने सेकंड टाइम में जो सेव कर दी फोटो उसको ओपन करना है, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो है आपकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी, फिर आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब गाइस इसमें जो है हमारा जो अब पूरी कंप्लीट रिटच जो है अब होगी हमारी। अब इसके लिए पहले क्या करना है, आपको जाना है जैसे लाइट कलर्स में, फिर आपको मिक्स में जाना है, यहाँ पे आपको येलो कलर सेलेक्ट करना है, इसका येलो कलर का पहले सैचुरेशन माइनस करना है।
ठीक है। फिर इसके बाद आपको ग्रीन कलर लेना है, इसका सेचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड गाइस इसके बाद जो येलो के बाद से जितने भी कलर है सबका सेचुरेशन आपको माइनस कर देना है, ठीक है, सबका सेचुरेशन, तभी आपके में जो है एक डार्क टोन और एक ऑरेंज टोन दोनों आएगी, ठीक है। तो आपको इसको दोनों को आपको यहाँ से सबको यहाँ पे माइनस कर देना है, बस पिंक को छोड़ देना है, ठीक है, पिंक कलर मत करना। फिर इसका रेड कलर में जाके आप इसको ह्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि जैकेट में भी ये रेड कलर है। फिर इसके बाद आपको ऑरेंज कलर में जाके आपको इसका सेचुरेशन माइनस करना है एंड ल्यूमिनस जो है आपको अपनी फेस के अकॉर्डिंग बढ़ानी है, ठीक है। मतलब कि गाइस जब ल्यूमिनस बढ़ाओगे ना तो आपके जो बैकग्राउंड में जो ऑरेंज टोन है वो भी थोड़ा सा मतलब कि ब्राइट होंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको उसको यहाँ पे सिंपली कर देना है डन। फिर आपको जाना है इस फ्लिप टूल्स में, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको शेडो के सामने एक टूल दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आपको गाइस इसका ह्यू जो है आपको ले जाना है ऐसे येलो टोन में एंड इसका सेचुरेशन जो आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हल्का सा बढ़ाना है, ठीक है, ज़्यादा मत बढ़ाना, हल्का सा अराउंड 18 तक कुछ। फिर उसके बाद आपको जाना है मिड टोन में, आपको गाइस मिड टोन में जाने के बाद गाइस आपको इसको भी ले जाना है ऐसे येलो टोन में एंड उसके बाद इसका भी सेचुरेशन आपको अराउंड उतना ही बढ़ा देना जितना आपने अभी बढ़ाया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है ऐसे गाइस हाईलाइट में, हाईलाइट में जाने के बाद आपको इसका जो इसका भी टोन येलो टोन में ले जाना है एंड उसके बाद आपको इसका सेचुरेशन इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। बट गाइस यहाँ पे ना मिड टोन का जो सेचुरेशन है ज़्यादा हो गया तो उसको हम थोड़ा पे कम कर लेंगे एंड यहाँ पे शेडो है जिसको भी हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा सेचुरेशन कम कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अभी इसको हम डन करते हैं एंड उसके बाद आपको जाना फिर यहाँ से नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की जो थोड़ी क्लियरिटी है वो इंक्रीज करनी है, ठीक है, फोटो में जो क्लियरिटी है वो तो इंक्रीज करनी होगी ना, फिर क्लियरिटी इंक्रीज करनी है एंड जो टेक्स्चर है आपको उसको भी थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, टेक्स्चर बढ़ा देना एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा भी एक विग्नेट वाला ऑप्शन, आपको सिंपली विग्नेट डालना है कुछ इतना, ज़्यादा मत डालना विग्नेट, अराउंड 11 तक कुछ डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना है नीचे वाले टूल में, फिर यहाँ पे गाइस आपको इसकी फोटो की जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगी नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ाना है एंड गाइस इसके नीचे मिलेगा कलर और कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हमारी जो फोटो एकदम कंप्लीट रिटच हो चुकी है। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मैं आप सभी से मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।